14 साल बाद इस वजह से तारक मेहता शो को छोड़ रहे हैं शैलेश लोढ़ा। फैंस ने कहा यह गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर कॉमेडी सीरियल की बात करें तो सब टीवी पर आने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोग बहुत पसंद करते हैं। यह शो सालों से लोगों का मनोरंजन करता चला आ रहा है और आज भी लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं। जितना मशहूर यह सीरियल है उससे भी कहीं ज्यादा मशहूर इसके किरदार हैं। सालों से एक ही सीरियल में काम करने के बाद मानो इन सितारों की पहचान इसके रील नेम से ही बन गई हो। जेठालाल, पोपटलाल, आत्माराम, तुकाराम भिड़े, दया, अंजलि या तारक मेहता, ये सभी किरदार अपने आप में यूनिक हैं और लोगों द्वारा काफी पसंद भी किए जाते हैं। फिलहाल शो को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। ताजा खबरों की माने तो शो में तारक मेहता का रोल निभाने वाले एक्टर शैलेश लोढ़ा इसे जल्दी ही छोड़ सकते हैं। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार शैलेश लोढ़ा जल्द ही तारक मेहता शो को अलविदा कहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। टेली चक्कर के रिपोर्ट के अनुसार शैलेश लोढ़ा इस शो को 14 साल तक जुड़ा रहने के बाद छोड़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शैलेश पिछले कुछ महीनों से शूटिंग पर नहीं आ रहे हैं और आगे भी उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शैलेश शो में अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है और उनका मानना है कि उनकी डेट्स का इस्तेमाल शो में ठीक तरह से नहीं किया जा रहा। हालांकि एक्टर ने इस बारे में अभी कुछ बात नहीं की है। इस पर खबर के सामने आने से फैंस निराश जरूर हैं। गौरतलब है कि तारक मेहता शो में अपने किरदार से शैलेश ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। ऐसे में लोग भी शो के मेकर्स पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है अगर शैलेश वाकई में सच कह रहे हैं तो यह उनके साथ गलत हुआ है। अपने किरदार से शैलेश ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। ऐसे में लोग भी शो के मेकर्स पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है अगर शैलेश वाकई में सच कह रहे हैं तो यह उनके साथ गलत हुआ है।